माय गोल्डन किचन। आज हम शकरकंदी बना रहे हैं स्वीट पोटैटो, लेकिन ना इसे उबाल कर नहीं बना रहे, इसे हम जैसे भुनी हुई ठेले पे मिलती है रेड़ी वगैरह पे, तो जब हम उसकी महक और वो कोयलों पे जो सिकी होती है, लेकिन घर में तो हम कोयले वगैरह नहीं जला रहे, लेकिन मैं आपको उसी टाइप की बनाना सिखा रही हूँ। आपने ये हमने ये 250 ग्राम शकरकंदी लिया, इसे दो हमने धो लिया और अच्छी तरह इसे खुश कर लिया, ठीक है। इधर हमने और तो थोड़ा सा ऑयल चाहिए, वो इधर हम अब आपको बताती हैं। इधर हमने गैस ऑन करके ऊपर हमने तवा, ये तवे पे हम बना रहे हैं, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं या कोई मोटे पैने वाला बर्तन भी ले सकते हैं। तो इसे हमने तकरीबन 2-3 मिनट इसे गर्म कर लिया ज़्यादा हीट पर। अब हम फ्लेम जो है वो स्लो कर देंगे और ये इसके ऊपर तकरीबन 1-2 ड्रॉप्स या 1 टीस्पून हम ऑयल डालेंगे और इसको अच्छी तरह ऐसे फैला लेंगे। ऑयल हमने तवे पे ऐसे फैला लिया सारा और ये जो शक्करकंदी हमने धोकर खुश कर ली है, ज़्यादा आपने मोटी नहीं लेनी, फिर उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हमने देख के इसको ज़्यादा दरमियानी वाली लिया। आपने इसको ऐसे रख देना है और किसी चीज़ से आपने कवर कर देना है इसको ऐसे, ठीक है। अगर आपके पास कोई ढक्कन कढ़ाई का है या कुछ अगर नहीं है तो आप ऐसे ये पैन, अगर पैन है आपके पास इस तरह का, तो आप इसको ऐसे उल्टा करके इसके ऊपर ढक दें ताकि इसकी भाप ना निकले। और इसको तकरीबन हम एक तरफ से 20 मिनट देंगे, फिर पलटेंगे और फिर 20 मिनट देंगे, इसको ज़रा टाइम लगता है, बिल्कुल स्लो आँच पे आपने रखना है ऐसे। ये 20 मिनट बाद हम चेक करेंगे, 20 मिनट हो गए हैं इसे रखे हुए, बहुत गर्म है, आप यहाँ से कीजिएगा। अभी हमने इसको पलट देना है, ये एक तरफ से हो गई है, ये जली नहीं है, ऐसे ही होती है, ये ऊपर छिलका है तो इसी वजह से ये खुशबू जैसे कोयलों की होती है वैसे आती है। इसे हमने पलट लिया, अब इसे हम इस साइड को भी तकरीबन 20 मिनट देंगे और इसे ढककर हल्की आंच पर 20 मिनट के बाद मिलते हैं। 20 मिनट हो गए हैं, इसे चेक करते हैं, ये दूसरी साइड से भी हो गई है। अब ये हम कांटे की मदद से या किसी छुरी की मदद से इसे चेक करते हैं, ये देखें छुरी आराम से अंदर जा रही है, इसका मतलब ये पक गई है। और इसे हम बंद कर देते हैं चूल्हे को और फिर ये बहुत गर्म है, आपने ले लेना कोई कपड़ा सा या रुमाल वगैरह, तो आपने इसको ऐसे ऐसे आपने छीलना है, इसका छिलका आपने उतारना है, ये बहुत गर्म है, आपने इतिहास से करना है। ये इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसी तरह आपने सारी शकरकंदी छील लेनी है। ये हमने सारी छील ली, अब इसको हमने ऐसे ये काट लेना, बहुत गर्म है, आपने एहतियात से करना है। बिल्कुल बाजार की तरह रेडी हुई है और ये चाट मसाला है, इसको हमने ऐसे ऊपर छिड़क देना है जितना आपको पसंद हो। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी वीडियो आने पर सबसे पहले आपको मिले, और ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत टेस्टी बनी है। आपने शकरकंदी अगर मोटी है तो उसको तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, अगर वो पतली आप लेंगे तो 15 मिनट भी लग सकते हैं, आपने चेक कर लेना है। और ये बहुत टेस्टी बिल्कुल बाज़ार वाली ठेले वाली बनी है, प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा, शुक्रिया।